समूचे मध्य प्रदेश में जैसे पानी का अकाल ही पड़ गया। कई सालों बाद ऐसा हुआ कि हर जिला तहसील पानी के लिए जदोजहद करती दिखाई दी। इसी के चलते उज्जैन जिले में भी लगभग 15 गांव के किसान आज पानी की समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि गांव में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जो मिल भी रहा है वो उपयोग के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें फैक्ट्री द्वारा छोड़ा जा रहा जहरीला केमिकल युक्त पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस समस्या को सीरियसली नहीं लिया गया तो किसानों द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आज पीने के पानी की नदी के आसपास के 15 गांव से भी ज़्यादा है, करीबन जो भी नदी के आसपास बसे गांव हैं उनमें पीने की हद से ज़्यादा समस्या हो रही है। पीने योग्य पानी बचा नहीं, क्योंकि एक तो गर्मी है जिसके कारण जल स्तर भी गिर गया है। दूसरी बात, जो पीने योग्य जल स्रोत हैं उनमें नदी ने जो केमिकल नदी में छोड़ रखा है फैक्ट्री ने, उसकी वजह से सारा पानी खारा आता है और वो भी पीने योग्य नहीं बचा है। इसलिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने। पानी की हद से ज़्यादा समस्या है। ज्ञापन देने का हमारा मुख्य कारण यह था कि जो 15 गांव है हमारे, वहाँ अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पीने का पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है और पीने योग्य पानी भी नहीं बचा है। केमिकल का छोड़ा जा रहा है तो ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत आ रही है पानी के लेकर। पेयजल समस्या है, जो हिसाब से चर्चा हो चुकी है, बोला है समस्या का निराकरण करवा। सर, ग्रामीण लोग उग्र आंदोलन की मतलब वो चेतावनी दे रहे हैं, तो सर इसको आप प्रशासन किस लिहाज से देखते हैं? सर समस्या का निराकरण हो जाएगा इसी